आजकल लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला है, और वो मसला यह है कि आईनी तरमीम किसी तरीके से, किसी बहाने से आईनी तरमीम को नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती से पहले पहले मंजूर करवा। इतनी मेहनत आईनी तरमीम पर की जा रही है, इतने राबते आईनी तरमीम पर किए जा रहे हैं कि जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान का मसवदा जो दिया गया है, आपको खबर दे रहा हूँ कि उस मसवदे पर इतना शदीद फड्डा पड़ने वाला है कि पीपल्स पार्टी अगर राजी होने की कोशिश भी करे तो नून लीग उसे मानने से इनकार कर देगी, जिसकी वजह से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना नाज़िम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आजकल लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला है, और वो मसला यह है कि आईनी तरमीम किसी तरीके से, किसी बहाने से, किसी लालच से, किसी दबाव से आईनी तरमीम को नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती से पहले पहले मंजूर करवा लिया जाए। इतनी मेहनत आईनी तरमीम पर की जा रही है, इतने राबते आईनी तरमीम पर किए जा रहे हैं कि जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से हाल यह है कि आज मुस्लिम लीग नून की एक मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के चार अरकान असेंबली के करीब दूर के रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनाते हुए कहा कि इन्हें केपीके के अंदर, इनके रिश्तेदारों को यानी एमएनएस जो है इनके केपीके के अंदर रखा हुआ है, उन्हें छोड़ा जाए। क्या किसी एमएनए की बीवी ने, क्या किसी एमएनए की वालदा ने, किसी एमएनए के वालिद ने, किसी एमएनए के बच्चे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तो इससे आपको वाजे तौर पर नजर आता है कि आईनी तरमीम के लिए अब इनका यह आलम हो गया है कि तहरीक इंसाफ के वोट इनके पास नहीं है। और जिन चार लोगों का इन्होंने जिक्र किया है, जिन चार लोगों के हवाले से सारी गुफ्तगू सुनाई गई है, इसका मतलब है कि ये इन चार लोगों को हर सूरत में काबू करना चाहते थे। तो आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक नहीं आएगी। आज भी जो एक बड़ी अहम तरीन नशिश थी मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिसके हवाले से दावे किए जा रहे थे कि नशिश में सारा कुछ तय हो जाएगा, आखिरकार इस नशिश के हवाले से मुर्तजा वहाब और कामरान मुर्तजा ने दोनों ने यह कहा कि अभी काम ठीक चल रहा है, अभी और नशिस्तें होंगी। तो मेरे पास इतला है, एक हकूमत के पास वोट पूरे नहीं है, हकूमत के अपने चंद बंदे गायब हैं, तहरीक इंसाफ पर शब खून मारने वाली हकूमत की तैयारी जो थी वो नाकाम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के किसी सूरत काबू नहीं आ रहे। आपको खबर दे देता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को मियां नवाज शरीफ का फोन फिर करवाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान को हर तरीके से दबाने की, मनाने की, राजी करने की, डराने की सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ बिल्कुल एक शतरंज की खेल खेल रहा है, बिल्कुल इनके साथ ऐसा कर रहा है जो इन्होंने पीडीएम खत्म होने के बाद इंतहाबात में मौलाना के साथ किया था, मौलाना वही सब कुछ इनके साथ कर रहा है। ना हां कर रहा है, ना ना कर रहा है, और मौलाना दरमियान में आकर इनको छोड़ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का मसवदा जो दिया गया है, आपको खबर दे रहा हूं कि उस मसवदे पर इतना शदीद फड्डा पड़ने वाला है कि पीपल्स पार्टी अगर राजी होने की कोशिश भी करे तो नून लीग उसे मानने से इनकार कर देगी, जिसकी वजह से मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि यह आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक नहीं आएगी। और अगर 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम नहीं आती तो फिर 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम के ना आने के बाद फार्म 47 कह लें, फार्म 45 कह लें, जो मर्जी आप नाम दे लें,
फिर इस हुकूमत का रहना किसी सूरत में भी नजर नहीं आता। अब हुकूमत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई कि फिर हुकूमत के बहुत से मामलात खराब हो जाएंगे, बहुत से केस खुल जाएंगे और बहुत से इलेक्शंस के हवाले से चीजें बेनकाब हो जाएगी। एक और बड़ी आपको खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ के 15 तारीख के एहतजाज को रोकने के लिए या रुकवाने के लिए या उस एहतजाज को मोखर करवाने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बैठ जो रबते शुरू हो चुके हैं। अहम तरीन जराए कहते हैं कि एक बड़े हुकूमती जुमादार ने अली अमीन गंडापुर से और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से राबता किया है और उन्हें कहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं और हम आपको जल्द कोई सहूलत भी दे देंगे जिससे आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि इमरान खान ठीक है, उसकी सेहत भी ठीक है और इमरान खान पर हमने कोई किसी किस्म का तशद्दुद दबाव या उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। जराए कहते हैं कि ये राबते कल रात से जारी है और आज के दिन में 3 दफा ये राबते हुए हैं और इन राबतों के मुस्बत जवाब का इंतजार हकूमत की तरफ से हो रहा है। जराए कहते हैं कि हकूमत ने अब मौलाना फजलुर रहमान को भी इस हवाले से कहा है कि आप भी बात करें, आप भी तहरीक इंसाफ को राजी करें, वो आपकी बात ज्यादा सुनते हैं और अगर तहरीक इंसाफ राजी हो जाती है तो हम बड़े बेहतरीन तरीके से सारे मिलकर आने वाले मेहमानों के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन बना सकते हैं। एक खबर इतनी तेजी से गर्दिश कर रही है कि जिसके इंतहा कोई नहीं और यह बहावर हुकूमती हलकों में गर्दिश कर रही है। अक्सर खबरें होती हैं सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि यह खबर हुकूमती हलकों में गर्दिश कर रही है कि किसी अहम तरीन शख्सियत को आज अडयाला जेल में जाते देखा गया है। जराए कहते हैं कि इस अहम तरीन शख्सियत के हवाले से ये चीजें बाकायदा सामने आ रही है कि इस अहम तरीन शख्सियत के अडयाला जाने, वहां पर 35 मिनट रुकने के हवाले से हुकूमती हलकों में यह कहा जा रहा है कि यह अहम तरीन शख्सियत इमरान खान को मिलने गई थी। अब अडयाला जेल में इमरान खान भी है, अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी भी है, अडयाला जेल में इमरान खान की दोनों बहनें भी आज चली गई हैं, वहां पे बुशरा बीबी भी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई कोई अहम तरीन शख्सियत गई है और अगर कोई अहम तरीन शख्सियत गई है, उसके मुलाकात हुई है तो इसका मतलब है कि राबते किसी और तरफ से तेज हो रहे हैं और इन तेज राबतों का नतीजा बहुत जल्द किसी बड़ी खुशखबरी की सूरत में निकलने वाला है।